देखे उस तो गाड़ी कितनी गंदी हो रही है मेरी, शायद उसको बारिश हुई होगी। दोस्त एक्चुअली हुआ क्या था, कम से कम 3-4 दिन से नल नहीं आया, पानी बिल्कुल नहीं आता, घर का पानी नहीं आता। कल रात को मैं ये कैंपर लेके आया था हमारे पास वाले कैंपर हाउस से, तो अब मैं सुबह सुबह मैं उनको बोल के आ गया था मैं सुबह सुबह वापस देकर आऊँगा, तो अभी मैं ये वापस देने जा रहा हूँ। और अब तो क्या नल भी आ गया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं वापस दे के आता हूँ उनको पहले। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ और मैं जस्ट अभी अभी वो कैंपर जो मैं कल रात को लेके आया था, क्योंकि पानी नहीं था, दे के आया हूँ अभी। बस मैं अभी अभी आ गया हूँ वापस कैंपर वैम्पर दे के, और मैंने पूरा कल का व्लॉग भी अभी एंड किया है, अभी एडिट कुछ नहीं किया है ना, अपलोड किया है। तो पहले वो व्लॉग एडिट करके अपलोड करते हैं, तमिल वमिल करके उसको पब्लिश करते हैं, फिर देखते हैं आगे का। तो गाइस मम्मी ने वो पैसे दिए हैं कि मैं दुकान से नमकीन और बिस्किट लिया, उनकी भरोसा नहीं दुकान से खुले ना खुले, तो फटाफट जाके लेके आता हूँ। तो दोस्तों मैंने सारा सामान ले लिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग दुकान पर खड़े हैं, इसलिए मेरे को सामान ये इतना सामान लेने में कम से कम आधा घंटा से ऊपर लग गया, क्योंकि देखिए जो वहाँ पे नहीं खड़े हुए उनको यहाँ पे खड़ा कर रखा है, और इतने से मतलब हर एक बंदे को 2-2 गज की दूरी मास्क खड़ा कर रखा है, इसलिए मेरे को सामान लेने का टाइम लगे। चलो आप दोस्तों घर चलते हैं पहले। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ किसी को हॉस्पिटल छोड़ने आया था, और आप देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हॉस्पिटल के बाहर कितनी भीड़ हो रही है। मतलब मैं एक्चुअली क्या मेरे पास में एक आंटी रहती है, उनको थोड़ी तबीयत ख़राब से महसूस हो रही थी, तो मैंने उनको सोचा हॉस्पिटल तक ले जाऊँ, तो उन्होंने कहा मैं कुछ हॉस्पिटल जाना, तो मैंने कहा मैं छोड़ कर जाता हूँ आपको, तो मैं उनको हॉस्पिटल छोड़ने आया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग इतनी हो नहीं पाई दोस्तों लोगों में, मास्क तो सबने पहन रखा है लेकिन बहुत भीड़ हो रही है दोस्तों, बहुत भीड़। तो दोस्तों फिलहाल मैं रामगंज आया हुआ हूँ, क्या एक्चुअली मुझे कुछ सामान लेना था राशन वाशन का, तो फिर मैं सोचा रामगंज से ले लेता फटाफट 11 बजे का टाइम है, तो इसके लिए मैं अभी रामगंज आया हुआ हूँ। वहाँ मम्मी सामान ले रही है दुकान पे, भीड़ तो है नहीं दुकान पे इतनी, सामान तुल रहा है, 11 बजने वाली है, और देखिए वो रामगंज भी खुला है दोस्तों अभी। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं शाम के, क्या टाइम हो रहा है सारा टाइम भूल जाता है एक तो बार बार, तो अभी हो रहा है शाम के 6:40। मैं जस्ट अभी अभी बाहर आया हूँ दोस्तों, मतलब मैंने लास्ट मुझे याद नहीं मेरे ब्लॉग में क्या दिखाया था, हॉस्पिटल से मैं आया रामगंज रामगंज घूम गया था, उसके बाद जस्ट मैं अभी सो के तो नहीं आना, खाना ना खाके सो गया था, फिर अभी उठाऊँ कि दोस्तों बाहर का मालूम कुछ ऐसा है। देखिए वाह सनसेट अच्छा हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली क्या, वैसे हमारे यहाँ पे पुलिस वाले बैठ नहीं रहते, सिर्फ वीकेंड पे हमारे यहाँ पे पुलिस वाले बैठे रहते हैं, मतलब वीकेंड के जो कर्फ्यू था उस पर पुलिस वाले बैठे हैं, क्योंकि अभी अभी मेरे सामने मतलब 3-4 दिनों के अंदर कुछ की कोरोना है चलते हुए, कुछ की नेचुरल डेथ हुई है, तो मतलब डेथ के ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हमारे एरिया के अंदर भी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जितना उससे घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकली काम से। मैं आज बाहर गया कि काम था, वरना मैं नहीं जाता, और आपको मालूम है सैनिटाइजर की बोतल लेकर 24 आवर्स साथ में रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों जितना उससे घर पर रहिए, बाहर मत जाइए, और आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि बस मुझे लगता है आज मैंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।